उपाध्यक्ष पटना ब्रांच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आज का जो हमारा सेमिनार जो कार्यक्रम है ये इसमें दो फैकल्टी हैं, एक फैकल्टी है सीए सचिन सिन्हा सर जो कि डायरेक्ट टैक्स में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट आए हैं अमेंडमेंट आए हैं उसके बारे में हम लोगों को अवगत कराने के लिए वो आए हुए हैं और ये दिल्ली से आए हुए हैं। हाँ, इसमें ये डायरेक्ट टैक्स में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट आए हैं कि जैसे 43BH मतलब कि ये लघु उद्योग जो हैं हमारे समाज के उनको बेनिफिट्स के लिए ये सेक्शन गवर्नमेंट ने लाया है। उसमें क्या है कि 15 दिन और 45 डेज के अंदर उनको पेमेंट कर देना है। अगर पेमेंट आप नहीं करते हैं तो वो आपके खर्चे से डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब खर्चा उसका मिलेगा नहीं। जब आप पेमेंट करेंगे तब उसका खर्चा मिलेगा। दूसरा सेक्शन ये ले रहे हैं 194R। इसमें क्या है कि 194R में है कि जो भी मतलब कि हम लोग पेमेंट मिलना है वो पेमेंट कैश में बैंक में ना मिलके किसी गुड्स में मिल गया, किसी मतलब कि अदर देन कैश और बैंक में मिल गया तो उसको हम इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे उसकी जानकारी हम लोगों को ये दे रहे हैं। कितने लोग क्या होते हैं कि पेमेंट ना कर कैश में और बैंक में ना करके वॉच दे दिए, मोबाइल दे दिए, टूर दे दिया। आजकल देख रहे होंगे गोवा टूर, बैंकॉक टूर, थाईलैंड टूर, ये सब मिल रहा है। तो इन लोगों का इसका टैक्स में ट्रीटमेंट क्या होगा उसकी हमारी जानकारी सचिन सिन्हा सर दे रहे हैं। और तीसरा सबसे अभी के डेट में, अभी के सिनेरियो में, अभी आईटीआर का डेट चलने वाला है, अभी चल गया है, उसमें छोटी छोटी गलतियों के कारण कैसे नोटिस एसएससीज को भुगतना पड़ता है और उसके कारण वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, तो छोटी छोटी गलतियों को हम लोग ना करें इसकी भी वो हम लोगों को अवगत करा रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट में हम लोगों को ज़्यादा वो अवेयर हो के और उसमें रिपोर्टिंग करना। दूसरा जो लंच के बाद जो सेक्शन है वो सेक्शन है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कोई भी हमारा कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कोई भी टैक्स ऑडिट करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे आप फुलफिल कर रहे हैं, मतलब कि आप जैसे फिक्स असेट्स है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करिएगा लॉ के अकॉर्डिंग, कोई ठेकेदार है तो अपना बुक्स कैसे बनाएगा, कोई भी डॉक्टर्स हैं चाहे रिवेन्यू कब रिकॉन्साइल करना है, रिवेन्यू कब आपको अपने बुक्स में दिखाना है, पेमेंट मिला कि नहीं मिला, कैश बेसिस पे भी दिखाना है कि मर्केंटाइल बेसिस पे, तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को ये बताती है कि मतलब कि एक रास्ता है वे टू हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। इसका महत्व ये होगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू जाएगा गवर्नमेंट तक। जैसे आप हमारे एसएससी हुए, हमारे क्लाइंट हुए, हम आपका काम कर रहे हैं, आपका जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स है बिजनेस में उसको सही तरीका से हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। हम एक पुल की तरह काम करते हैं और आपके और गवर्नमेंट के बीच में हम उस पुल की तरह काम करते हैं, तो हमारा पुल जितना स्ट्रांग होगा आपका और गवर्नमेंट का जो भी कम्युनिकेशन है उतना ही अच्छा होगा। तो इस ये जो हम लोग टाइम टू टाइम सेमिनार्स वगैरह जो भी अमेंडमेंट्स पे लेते हैं, चाहे जो भी लॉ है, जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आते हैं, इसलिए हम लोग सारे मेंबर्स को अवेयर कराते हैं कि वो सही तरीके से आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाए और गवर्नमेंट की बात आप तक पहुँचाए। बस इसका यही पहलू है, कोई भी सेमिनार का बस यही पहलू होता है कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो क्लाइंट का गवर्नमेंट तक का वो सही तरीके से जो है एज इट इज गवर्नमेंट तक पहुँचे। इससे ये बेनिफिट होगा ना कि जैसे नोटिसेज मान लीजिए कि गलत हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, जो तरीका लॉ बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्लाइंट गड़बड़ कर दिया, अगर उसका हम अगर सही तरीका से उसको करेक्ट करके हम लोग गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचाए तो फिर उसमें नोटिसेज आने का, और उस नोटिसेज के कारण सिर्फ नोटिस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं देता, उसके साथ साथ इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, पेनल्टी की लाइबिलिटीज़, तो ट्रू एंड फेयर व्यू अच्छे तरीके से जब रिकॉर्ड हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो नोटिस आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और जिसके कारण पेनल्टी से और इंटरेस्ट से हम लोग बच जाते हैं। टैक्स तो देना ही है, टैक्स जो एक्चुअल में बनता है वो तो देना ही है, लेकिन कम से कम हम इंटरेस्ट और वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट और पेनल्टी से हम लोग
टाइम रहते बच जाते हैं। इस तरह का आज के कार्यक्रम से जो अभी का सेशन चल रहा है इसमें अभी जो अभी एमएसएमई लघु उद्योग जो धारी है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनको एक होप है गवर्नमेंट की तरफ से कि चलिए हमारा भी सुनने वाला गवर्नमेंट है कि जो हमें पेमेंट पहले क्या होता था कि हमें पेमेंट मिला कि नहीं मिला इसको देखने वाला कोई नहीं था, उनको टाइम से पेमेंट लघु उद्योग को होता नहीं था। लेकिन अब लॉ ही आ गया कि नहीं आपको 15 जिनके साथ एग्रीमेंट है उनको 45 डेज का टाइम दिया है और जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं है उनको 15 दिन का टाइम दिया है कि आपको इतने दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ वो आपको एक्सपेंस मिलेगा। हाँ कि लघु उद्योग जो छोटे व्यवसायी हैं उनको टाइम से पेमेंट मिल जाए और वो अपना रोजी रोटी को आगे बढ़ा सके गवर्नमेंट ने ये 43BH जो सेक्शन है ये लॉन्च किया है।